तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीबीडी कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करता है आपको करने के लिए, यानी कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको बीबीडी में मिल जाएंगे कि आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि जरूरत नहीं कि सारे प्रोग्राम मिल जाएँ या जो आप चाहते हो वो यहाँ पर है कि नहीं है, तो उसके लिए ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, पहला प्रोग्राम जो यहाँ पर दिया गया है वो है बीटेक का। बीटेक में बहुत से बच्चे पूछते हैं बीटेक में कौन सा है, कौन सी ब्रांच है, तो आपको बता दें, पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। तो देखिए, प्रोग्राम बीटेक है जो कि 4 साल का होगा, फुल टाइम कोर्स होगा, जिसमें बीटेक दो हैं, बीटेक सीएससी और बीटेक सीएससी एआई से है, ठीक है। तो ये आपको दो वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं बीटेक में, तो बीटेक सीएससी है, स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड मशीन लर्निंग, कोलैबोरेशन विद आईबीएम, यानी आईबीएम से बीबीडी ने कोलैबोरेट किया है। आईबीएम के फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे आके, जो कि जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन होगा किसमें, क्लाउड कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग में। इससे स्पेशलाइजेशन करके आपको बीबीडी में आईबीएम के फैकल्टी पढ़ाएंगे आके। फिर आते हैं थर्ड बीटेक सीएससी, जिसमें सीएससी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ब्लॉकचेन, ये पढ़ाएगा आईबीएम का फैकल्टी आपको, ये इसमें स्पेशलाइजेशन मिलेगा। फिर आता है बीटेक, जो कि लेटरल एंट्री फॉर ऑल कोर्सेज में, सारे कोर्स के लिए होता है। अब आते हैं बीटेक कर लिए हैं तो एमटेक करना, तो एमटेक में आपको 2 साल का होता है, फुल टाइम होता है, जिसमें सीएससी, कंप्यूटर नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये 3 मिल जाते हैं। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहेगी अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो, एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50%, यानी 50% या उससे इक्विवेलेंट 10+2 यानी 12th में मार्क्स होने चाहिए आपके, और कंपलसरी कुछ सब्जेक्ट्स, ये ध्यान रखिए क्योंकि हर कोर्स में कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। तो इसमें है फिजिक्स, मैथ्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, यानी फिजिक्स मैथ तो कंपलसरी, उसके साथ साथ आप में कंप्यूटर साइंस या केमिस्ट्री में से कोई एक चीज़ आपको होनी चाहिए आपके 12th के उसमें। और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो एसेंशियल होने, मतलब जरूरी है इसमें, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होते हैं, अगर आप नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और इसके बाद आते हैं एमटेक में, तो एमटेक में आपको करना चाहिए 55% आपका बीटेक या बीई से होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका गेट का स्कोर्स हो सकता है, ये सब मतलब आपका देखा जाएगा। बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट और एमसीए, ये इतना अगर आप करें तो आप एमटेक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आप फीस पे, तो बीटेक 4 ईयर्स फुल टाइम की जो फीस है वो है 62,500 पर सेमेस्टर, यानी एक सेमेस्टर की है। बीटेक सीएससी और बीटेक सीएससी जिसमें आईबीएम वाला, दोनों जो बीटेक के हैं, उसकी फ़ीस है 75,000 पर सेमेस्टर। और फिर बीटेक लेटरल एंट्री की फ़ीस है 62,500 पर सेमेस्टर या 75,500 आईबीएम के कोर्स के लिए। फिर आते हैं एमटेक की फ़ीस जो है वो है 62,500 पर सेमेस्टर 2 ईयर्स में। तो ये थी बीटेक की फ़ीस। अब हम आते हैं अगले उस पर, तो ये था स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से। अब आते हैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में, तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से कोर्स ऑफर करे जाते हैं आपको वो हम अब बता रहे हैं। तो पहला कोर्स है बीबीए, जो कि 3 ईयर्स का है फुल टाइम का, यानी लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो कि 3 ईयर का फुल टाइम ये भी है। इसमें भी आपका 50% इक्विवेलेंट मार्क्स होना चाहिए 10+2 में, और इसमें आपको जो फीस है वो 40,000 पर सेमेस्टर, यानी 40,000 पर सेमेस्टर आपको पे करना होगा दोनों में, दोनों में से कोई भी एक लेते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों ले लिया तो उसमें। और फिर आते हैं बीबीए प्रोफेशनल, जो बीबीए प्रोफेशनल आप कर रहे हैं या बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स विद आईबीएम के लिए है अगर वो, तो उसमें 45,000 पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस पड़ेगी, और बीबीए आईबीएम वाला अगर आप कर रहे हैं तो उसमें 50,000 पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस पड़ेगी। तो ये था, और इसमें भी सब में नॉर्मल सब वही, सब में 50% 10+2 होना चाहिए। उसके बाद आते हैं बीबीए प्लस एमबीए 4 ईयर एंड हाफ ईयर फुल टाइम, यानी 4 साल और आधा साल को मिला के ये पूरा आपका इतना लंबा कोर्स होगा, जिसमें बीबीए एमबीए दोनों रहेगा फुल टाइम का है। तो इसमें भी आपका वही 50% मार्क्स होने चाहिए, उसके साथ साथ इसकी जो फीस इसमें लिखी हुई वो लिखी 40,000 पर सेमेस्टर फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, यानी पहले 2 साल 40,000 आपको पर सेमेस्टर पे करना होगा। उसके बाद पर सेमेस्टर फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, यानी अगले 2 साल के लिए जो नेक्स्ट सेमेस्टर आएंगे उसमें आपको 62,500 रुपये देना होगा, और 10,000 इन 9 सेमेस्टर, यानी 90 सेमेस्टर, यानी आखिरी सेमेस्टर में आपको 10,000 रुपये केवल पे करने होंगे। तो ये था बीबीए का प्रोफेशनल या बीबीए आईबीएम वालों का पैसा, फीस कितनी आपको जमा करनी। अब आते हैं हम लोग एमबीए, एमबीए अगर आपको करना है क्योंकि 2 ईयर्स फुल टाइम का, तो इसमें भी आपको 50% ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट टू सीजीपीए ओजीपीए होना चाहिए, और इसमें जो आपकी पर सेमेस्टर की फ़ीस है वो है 62,500। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा बीकॉम आता है, बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे मिल जाएगा आपको, जो कि 3 साल का है फुल टाइम, इसमें भी 10+2 आपका होना चाहिए, मगर इसमें 60% आपका मार्क्स होना चाहिए 12th तक में, और स्ट्रीम जो होगी वो आपकी साइंस या कॉमर्स होनी चाहिए, बायो वालों के लिए नहीं है बीकॉम।
इसमें जो फीस है वो है 40,000 पर सेमेस्टर। एमकॉम के लिए आ जाते हैं तो एमकॉम जो कि 2 साल का है फुल टाइम का, उसमें भी आपका बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में से आपको 50% मिल जाना चाहिए, होने चाहिए इतने। और इसकी जो फीस है वो है 37,500 पर सेमेस्टर, सारी फीसेस पर सेमेस्टर की हैं। अब आते हैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर से अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, तो BCA नॉर्मल जो है यानी BCA प्लेन जो कि 3 साल का, जिसमें आपको 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए, उसमें आपकी फ़ीस पड़ती है 40,000 पर सेमेस्टर। उसके बाद आता है BCA DS या AI। तो DS और AI क्या है ये आपको बताते हैं। तो DS मतलब होता है डाटा साइंस और AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी BCA आपको करना है डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ये स्पेशलाइजेशन कोर्स है जिसमें कोलैबोरेशन होता है IBM के साथ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एलिजिबिलिटी वही है आपका 10+2 50% एग्रीगेट के साथ, मगर इसमें जो फीस है वो है 50,000 पर सेमेस्टर और आखिरी सेमेस्टर यानी 6th सेमेस्टर में आपको 40,000 पे करनी होगी। तो ये था। और BCA DS AI के साथ BCA CS एंड F यानी साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक्स भी मिल जाएगा, और उसके जो कि कोलैबोरेशन होगा IBM के साथ, और 3 साल का कोर्स है। अब आते हैं MCA। MCA अगर आपको डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करना है जो कि कोलैबोरेशन होगा IBM के साथ, तो उसका भी 60,000 पर सेमेस्टर फीस है। और यहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी वो BCA या अदर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट टू कोर्स ऑफ द रेस्ट ऑल क्राइटेरिया जितना वही है सेम होना चाहिए। अब आते हैं MCA पे। तो MCA 2 साल का फुल टाइम का है जिसमें आपको पास्ट होना चाहिए BCA या बैचलर डिग्री ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट टू डिग्री होना चाहिए, और या आप पास कर सकते हैं अगर BSc BCom BA अगर आपने मैथ से पास किया है तो उससे उसमें भी आप इसमें MCA में एडमिशन ले सकते हैं। और इसके जो फीस है वो है 50,000 पर सेमेस्टर। अब आते हैं स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट पे, जिसमें एक ही है BHMCT जो कि 4 ईयर्स फुल टाइम है, और इसमें जो हमारा इक्विवेलेंट होना चाहिए 10+2 में आपका 50% वही है, और फीस है 40,000 पर सेमेस्टर। ये था स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट तक। अब आता है स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग पे। सबसे पहला होता है BR यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चरिंग, जो कि 5 साल का है फुल टाइम का कोर्स है, जिसमें आपका जो कैंडिडेट होना चाहिए उसको 10+2 स्कीम से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या सब्जेक्ट जिसमें 10+3 डिप्लोमा हो सकता है एग्जामिनेशन के समय, और मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये आपके वहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका इसमें जो फीस है वो 62,500 पर सेमेस्टर है, यानी 62,500 पर सेमेस्टर पड़ेगी। अब आता है बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग, अगर आप करना चाहते हो तो वो 4 साल का कोर्स है जिसमें 10+2 विद मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 45% होना चाहिए हर में ऑल में, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगर आप लेटरल एंट्री ले रहे हैं सेकेंड ईयर में ले रहे हैं, तो आपका कैंडिडेट हैविंग 3rd ईयर डिप्लोमा फॉर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट फील्ड आर्किटेक्चर डिज़ाइन इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन विद 45% एग्रीगेट होना चाहिए। मतलब अगर आप 3rd ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो आपने जहां से भी किया उसमें 45% आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, और इसमें जो फीस है वो है 40,000 पर सेमेस्टर यानी 40,000 पर सेमेस्टर। अब आते हैं MR मास्टर ऑफ आर्किटेक्चरिंग करना, तो 2 साल का है जिसमें आपका 55% आपका BR से होना चाहिए, और MUP जो कि है उसका 2 ईयर्स का फुल टाइम कोर्स है जिसमें आपका BE प्लानिंग BE सिविल BR का इक्विवेलेंट टू मास्टर्स इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी सोशियोलॉजी जो होता है मिनिमम एग्रीगेट 55% से होना चाहिए, और जिसकी फीस इन दोनों की फीस मास्टर्स की है 42,500 पर सेमेस्टर। अब नेक्स्ट कोर्सेज पे आते हैं जो कि है हमारा MR है इसमें भी MR का कोर्स जो कि 3 ईयर्स पार्ट टाइम कोर्स, अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो उसमें आपका BR से इक्विवेलेंट होना चाहिए, CGPA या OGPA डिग्री जो होती है वो 55% होनी चाहिए, उसके साथ साथ 42% यहाँ पे 42,500 यहाँ पे आपकी सेमेस्टर की फीस रहेगी। MID मास्टर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता है, तो उसमें आपका पास होना चाहिए 50% एग्रीगेट मार्क्स इन BID बी डिज़ाइन और BSc इंटीरियर डिज़ाइन या बी डिज़ाइन प्रोडक्ट फर्नीचर टेक्सटाइल्स AMP इंडस्ट्रियल्स और BSc प्रोडक्ट एंड फर्नीचर टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रियल और BR और बी प्लान बी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और बी टेक एंड स्ट्रीम्स और एलाइड फील्ड्स, इतना होना चाहिए आपके पास एलिजिबिलिटी में से कोई एक, जिसमें जो फीस है वो 45,000 पर सेमेस्टर है। अब यहाँ पे ख़त्म होता है स्कूल ऑफ आर्किटेक्चरिंग का ख़त्म होता है। अब आता है स्कूल ऑफ फार्मेसी, तो फार्मेसी में बी फार्मा है जो कि 4 साल का है जिसमें 10+2 होना चाहिए, और आपका इसमें एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी जो होता है AIU से इंग्लिश या किसी एक सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स PCM या बायोलॉजी PCB जो होता है वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली होना चाहिए आपके पास। और बी फार्मा अगर लेटर एंट्री कर रहे हैं तो दोनों मिला के दोनों की जो फीस होती है वो है 60,000 पर सेमेस्टर। 4 साल का होता है, लेटर एंट्री पे आपका क्या होगा
जो पास होता है डी फार्मा कोर्स एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन ऑफ 12 फार्मेसी एक्ट। अब आते हैं स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ पे। लीगल स्टडीज़ का भी यहाँ पे स्कूल है जिसमें BA LLB, BBA LLB, BA LLB, LLM, LLM इतना आपको मिल जाता है। तो पहला है BBA LLB जिसमें 5 साल का फुल टाइम का, इसकी फ़ीस है 80,000 पर एनम, पूरे साल के 80,000 है। BA LLB अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी भी पूरे साल के 80,000 है। LLM अगर आप करना चाहते हैं 1 ईयर जो कि क्रिमिनल सिक्योरिटी लॉ से है उसमें 80,000 आपकी पर एनम है, और LLM करना चाहते हैं कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ 1 ईयर फुल टाइम का जो है उसमें भी आपकी 80,000 एक साल की है। अब आते हैं स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। अगर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस करना चाहते हैं तो BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आपका है जो कि 40,000 पर सेमेस्टर है आपका। MA है उसमें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो कि 2 साल का, जिसमें भी 45,000 आपका पर सेमेस्टर पड़ता है। अब आते हैं हम लोग BSc ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं मैथ्स या कंप्यूटर साइंस से जो कि 3 साल का है, तो इसमें आपका 22,500 पर सेमेस्टर फीस पड़ेगी दोनों में, मतलब मैथ से करेंगे तब भी, कंप्यूटर साइंस से करेंगे तब भी BSc ऑनर्स। अब MSc आता है कंप्यूटर साइंस से 2 साल का है जो कि, और MSc मैथमेटिक्स जो कि केवल 2 साल का है, उसमें भी 22,500 की पर सेमेस्टर फीस पड़ेगी। अब आते हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन में, यानी BEd अगर आप करना चाहते हैं तो BEd में आपका 2 साल का है और आपका इसमें फर्स्ट ईयर 70,000 रुपये पड़ेगी और सेकेंड ईयर में 60,000 पड़ेगी। अब आते हैं डेंटल साइंस में, BDS अगर आप करना चाहते हैं तो 4 साल का है और 1 ईयर रोटेटरी इंटर्नशिप आपको मिलेगी जिसमें 2,98,000 पर एनम आपको फ़ीस जमा करनी होगी, प्लस 50,000 सिक्योरिटी मनी जो कि रिफंडेबल होती है, आपको रिफंड कर दी जाएगी। और MDS करना चाहते हैं जो कि 3 साल का है जिसमें आगे यहाँ पे फीस के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब आते हैं डॉक्टरेट प्रोग्राम्स, अगर आप PhD करना चाहते हैं तो PhD के लिए आपका इसमें जो फीस लिखी हुई वो है 1,60,000 फुल टाइम पर एनम और 80,000 पार्ट टाइम पर एनम। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो पर एनम 80,000, अगर फुल टाइम करना चाहते हैं तो 1,60,000 है। उसी तरह 80,000 फुल टाइम पर एनम है अगर आप बी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री EVS इंग्लिश फिजियोलॉजी सोशल साइंस सोशोलॉजी लॉ एजुकेशन से करे हुए हैं, और 45,000 पार्ट टाइम पर एनम। तो ये थे कुछ प्रोग्राम्स जो कि BBD ऑफर करता है आपको। ये सारे प्रोग्राम्स आपको BBD की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी इन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। और ये फीस वगैरह मैंने आपको बताया, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप एडमिशन के समय आपको क्या क्या करना होगा। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो करते हुए खत्म, जल्दी मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में, यानी BBD की ही नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा, नमस्कार।